हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, रोहतक से आ रहे सीएम मनोहर लाल ने कांग्रेस पर तंज कसा है। जी हां, मुख्यमंत्री मनोहर लाल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नजर आए। सीएम खट्टर ने रणदीप सुरजेवाला का धन्यवाद किया है, तंज कसते हुए धन्यवाद किया है और सोनीपत से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को प्रत्याशी बनाने पर धन्यवाद किया गया है रणदीप सुरजेवाला का। दरअसल रणदीप सुरजेवाला ने अपना कांटा निकाल लिया, ये कहना है मुख्यमंत्री मनोहर लाल का। सुरजेवाला ने जींद उपचुनाव का जो बदला है वो ले लिया है, तो ये कह रहे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नजर आए वो, तो कांग्रेस पर तंज कसा है और तंज कसते हुए कहा है कि रणदीप सुरजेवाला का मैं धन्यवाद करता हूं क्योंकि उन्होंने कांटा निकाल दिया है। रणदीप सुरजेवाला ने अपना कांटा निकाल दिया है और उसके बाद ये भी उन्होंने कहा कि जींद उपचुनाव का ये बदला है जो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा से लिया जाएगा। सोनीपत में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी मैदान में कर दिया है। जो मंच से जिक्र कर दिया उसको अगर दोहराऊंगा तो फिर आप लोगों को अजीब लगेगा। बात तो वही है जो हमारे रामबिलास जी शर्मा ने जींद में कही थी, अब उन्होंने बदला ले लिया। पहले इन्होंने किया था, अब उन्होंने कर दिया, इसलिए उनके घर में दाव पेच चल रहे हैं। उस दाव पेच के आधार पर ऐसे ऐसे उनके नेता जो चुनाव नहीं लड़ना चाहते उनको भी जबरदस्ती उतारा जा रहा है, इसमें से आप समझ सकते हैं। तो सुना आपने मुख्यमंत्री के उसी बयान को जिसमें वो तंज कसते हुए कांग्रेस पर नजर आए हैं। सीएम खट्टर ने रणदीप सुरजेवाला का धन्यवाद किया, बोला कि सोनीपत से भूपेंद्र हुड्डा को प्रत्याशी बनाने का धन्यवाद। रणदीप सुरजेवाला ने अपना कांटा निकाल लिया है, सुरजेवाला ने जींद उपचुनाव का बदला ले लिया है। दरअसल ये पूरा का पूरा जो बयान है, ये विवाद है, वो जींद उपचुनाव के दौरान सुनने को मिला था। जब एक बार मुलाकात होती है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की और हरियाणा शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा की, और बातों ही बातों में बड़े ही व्यंग्य के तरीके से हंसी मजाक और तंज हम उसे कह सकते हैं, इस लहजे में रामबिलास शर्मा कहते हैं कि आपने जींद के उपचुनाव में रणदीप सुरजेवाला को उतारकर हुड्डा साहब आपने तो अपना कांटा निकाल दिया है। अब उसी कांटे वाले बयान को इस चुनावों में भी इस्तेमाल किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि सोनीपत से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को प्रत्याशी बनाया है कांग्रेस ने, ये रणदीप सुरजेवाला ने बदला ले लिया है और अपना कांटा निकाल दिया है, ये कह रहे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी डॉक्टर योगेश बिदानी जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार डॉक्टर योगेश जी, आवाज मिल रही है आपको? डॉक्टर योगेश जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी जी, अच्छी तरह सुन रहा हूँ। डॉक्टर योगेश जी, मुख्यमंत्री कांग्रेस का धन्यवाद कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि रणदीप सुरजेवाला ने अपना कांटा निकाल दिया, अपना बदला ले लिया है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सोनीपत से प्रत्याशी बनाकर। जी जी जी, क्यों लेकिन ऐसा, क्या ये बदले की भावना से किया गया काम आपको लग रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, पहले जींद का चुनाव हुआ था तो उसमें भूपेंद्र हुड्डा जी ने ऐसा मतलब जो बात हुई तो तब ये उड़ाया गया था कि रामबिलास जी ने जी कहा है। अब इनका नाम आ रहा है, ये राजनीति में छोटी मोटी सौदेबाजी होती रहती है, इन चीजों में कोई ऐसी बात नहीं है क्योंकि उनके पास कैंडिडेट था नहीं, रात को खड़े किए हैं, तो इसलिए चुनाव में ये बातें चलती रहती है। नहीं तो चुनावों में तो चलती रहती है डॉक्टर योगेश जी, लेकिन खुद मुख्यमंत्री जब इस तरीके के बयान देते हैं तो सवाल तो उठने लाजमी हो जाते हैं। वो तो ये तक कह रहे हैं कि बदला ले लिया सुरजेवाला ने जींद उपचुनाव का, तो चलिए आप इसको किसी भी वेस में ले लीजिए, ऐसी कोई बात नहीं, हम नहीं लेंगे डॉक्टर योगेश जी, हम नहीं लेंगे। हम तो जो कहा है मुख्यमंत्री ने, हम तो वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं, हमने कुछ नहीं लेना, हम तो सिर्फ ये बात आपसे पूछ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि राजनीति में इस तरीके की बातें होती रहती हैं, उसी राजनीति के तर्ज पर आपसे सवाल पूछ रही हूँ मैं, बोलिए अब आप। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री एज ए मुख्यमंत्री ने कहा, एज ए व्यक्ति मनोहर लाल नाम से ही उन्होंने कह दिया तो किसी का तो क्या बड़ी बात हो गई। नहीं कहा है तो आपको लग रहा है, मतलब बीजेपी ये मान रही है कि रणदीप सुरजेवाला ने बदला लिया या रणदीप सुरजेवाला अपना कांटा निकालना चाहते थे और इसीलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा को प्रत्याशी बनाया सोनीपत से? जींद में हुआ ना, जींद में भूपेंद्र हुड्डा के कहा गया था कि तूने रणदीप को खड़े करके अपना कांटा काट दिया, आज यहाँ कह दिया,
ठीक है, प्रतिक्रिया लेते हैं जरा कांग्रेस से भी, कांग्रेस को भी बताते हैं कि बीजेपी तंज किस तरीके से फंस रही है। केवल ढींगरा साहब सुन पा रहे हैं? नमस्कार। हाँ जी नमस्कार, सुन पा रहा हूँ। केवल ढींगरा जी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ये कह रहे हैं कि सोनीपत से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को प्रत्याशी बनाया है, रणदीप सुरजेवाला ने अपना बदला ले लिया है, कांटा निकालने का काम किया है जींद उपचुनाव का। देखिए बीजेपी का यही काम है, असल में ये पहले भी इसी तरह के रामविलास शर्मा जी का ये कमेंट था, आज ये मुख्यमंत्री खट्टर साहब का ये कमेंट है। नहीं, इन लोगों को तंज कसने के सिवाय और कोई काम नहीं आता, इन लोगों को इस काम को छोड़ के अपने चुनाव के बीच में ध्यान देना चाहिए, ये देखना चाहिए कि। लेकिन जब केवल ढींगरा साहब, जब ये बात की गई थी जींद उपचुनावों से पहले, उस वक्त आपको याद होगा वो लम्हा जब रामविलास शर्मा एक तरफ होते हैं और एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा होते हैं, तो उन्होंने भी रिएक्ट किया था, वो भी हंसते मुस्कुराते इस बात पर नजर आए थे, तो आप ये नहीं कह सकते कि बीजेपी ने ये बात कही थी। नहीं, ये बात रामविलास शर्मा जी ने शुरू की थी और उन्होंने ही ये बात स्टार्ट की थी, तंज कसने का काम इन्हीं लोगों का है और ये इस तरीके से काम करते रहते, क्योंकि स्टेट में कोई काम इन लोगों ने किया नहीं, तो ये सोचते हैं कि अब तंज कस के ही अपना काम चलाते रहे, इसी तरह से आज। नहीं, लेकिन ये नौबत क्यों आ रही है जब एक बार फिर से नाम सामने आ रहा है कि रणदीप सुरजेवाला ने अब अपना कांटा निकाल दिया है, बदला ले रहे हैं, पहले तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा बदला ले रहे थे उनको जींद उपचुनाव की सीट पर उतार कर, और अब कहा जा रहा है कि बदला ले रहे हैं रणदीप सुरजेवाला, ये बदले की भावना कैसे और क्यों, ये सवाल क्यों उठ रहा है, क्या कांग्रेस बदले की भावना से काम कर रही है? सोनीपत की सीट सबसे बड़े मार्जिन के साथ हुड्डा साहब जीत के निकलेंगे, किसी का कांटा निकले किसी का कांटा कहीं जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कांग्रेस को। सीधी बात आपको एक बताना चाहता हूँ, हरियाणा की तब केवल ढींगरा साहब इच्छुक, तो केवल ढींगरा साहब इच्छुक तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा बिल्कुल नहीं थे, सुन रहे हैं आप मुझे? जवाब नहीं हम इनका ले पाए, शायद फोन डिस्कनेक्ट हो गया दोनों का, जबकि सवाल यहां पर यही था कि आखिरकार अगर कांग्रेस इस तरीके की बयानबाजी कर रही है तो वो क्यों, और यहां पर केवल ढींगरा साहब जो प्रवक्ता हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े थे वो ये कह रहे थे कि सोनीपत की सीट तो वो जीतेंगे ही, और सवाल यहां पर यही था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि इच्छुक नहीं थे इस सीट से लड़ने के, हाईकमान के ऑर्डर के बाद उनको ये सीट दी गई है, अब आप समझ सकते हैं कि आखिरकार सीट को लेकर जो रस्साकशी का सिलसिला है और जो बयानबाजी है किस स्तर तक वो पहुंच चुकी है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कांग्रेस पर तंज कसा, सीएम खट्टर ने रणदीप सुरजेवाला का धन्यवाद करते हुए नजर आए कि सोनीपत से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को प्रत्याशी बनाने का धन्यवाद, और रणदीप सुरजेवाला ने अपना कांटा निकाल लिया है, कांटा निकालने के वाली बात मुख्यमंत्री कहते हुए नजर आए, सुरजेवाला ने जींद उपचुनाव का बदला ले लिया है, और अब ये बदले की भावना से क्या कांग्रेस काम कर रही है, यहां पर मुख्यमंत्री ये कहना चाहते थे, ये आरोप लगाना चाहते थे कांग्रेस पर क्या, कि कांग्रेस सिर्फ आपस में लड़के आपस में बदला लेने की मंशा के साथ या आपस में एक दूसरे को कांटा समझने की इच्छा के साथ काम कर रहे हैं या फिर वो वोट लेने के लिए और चुनाव जीतने के लिए काम कर रहे हैं। हालांकि आरोप लगाया है यहां पर और एक तंज के तौर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कसा। जो मंच से जिक्र कर दिया उसको अगर दोहराऊंगा तो फिर आप लोगों को अजीब लगेगा, बात तो वही है जो हमारे रामविलास जी शर्मा ने जींद में कही थी, अब उन्होंने बदला ले लिया, पहले इन्होंने किया था अब उन्होंने कर दिया, इसलिए उनके घर में दाव पेच चल रहे हैं, उस दाव पेच के आधार पर ऐसे ऐसे उनके नेता जो चुनाव नहीं लड़ना चाहते उनको भी जबरदस्ती उतारा जा रहा है, इसमें से आप समझ सकते हैं। तो चुनावों को लेकर दांव पेच चल रहे हैं और वो दांव पेच तमाम नेता चला रहे हैं, ये कहना मुख्यमंत्री का था।